राजस्थान में कांग्रेस का सचिन पायलट पर बड़ा एक्शन, उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेशाध्यक्ष पद से भी हटाया। सीएम अशोक गहलोत बोले, आप बैल मुझे मार वाली हरकतें कर रहे थे सचिन पायलट और उनके सहयोगी मंत्री। कांग्रेस आलाकमान की कार्रवाई पर सचिन पायलट ने तोड़ी चुप्पी, ट्विटर पर लिखा संदेश, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, कल सुबह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे आगे की रणनीति। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सचिन पायलट को दिया बीजेपी में आने का न्योता, बोले कांग्रेस में टैलेंट की कीमत नहीं, प्रतिभावान युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है भाजपा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला, बोले कुछ लोगों के पास कोरोना से लड़ने के लिए मीटिंग का नहीं था समय, लेकिन फिल्म फेस्टिवल के लिए निकालते थे टाइम। महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालय की डिग्रियों पर मचा बवाल, सर्टिफिकेट पर लिखा कोरोना से प्रमोटेड, भ्रम में पड़े विद्यार्थी, कृषि मंत्री ने बताया गलत, नोटिस भेजकर पूछा बिना नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट पर क्यों डाला कोरोना, जांच और कार्रवाई का निर्देश। बीएससी एग्रीकल्चर का जो सेमिस्टर पैटर्न है, सेमिस्टर पैटर्न मध्ये जो फर्स्ट इयर सेकंड इयर है त्यांच्या ग्रेड कार्ड वर कोविड 19 चा शिक्का येत आहे, प्रमोटेड कोविड 19 असं लिहून शिक्का येत असल्यामुळे जर भविष्यात नोकरीसाठी किंवा रोजगारासाठी, आता बऱ्याच कंपन्यांमध्ये ग्रेड कार्डसुद्धा मागतात, या ग्रेड कार्डमधून त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर जर प्रश्नचिन्ह लागत असेल तर हा कोविड 19चा शिक्का रद्द करण्यात यावा। व शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे कोविड 19 प्रमोटेडचा जो शिक्का त्या ग्रेड कार्डवर देण्यात येत आहे, हा निर्णय गव्हर्नमेंट शासनाने रद्द करावा व होणाऱ्या भविष्यामध्ये लॉस जो होईल विद्यार्थ्यांचा तो टाळावा। कोविड 19 मार्कशीटवर जे लिहून येते आहे आजकाल, आगेले 2 दिवसापासून बऱ्यापैकी चर्चेला येतो आहे, मीडियावरही आम्ही ऐकतो आहे, पण विद्यापीठाचा अजून निकालच लागायचा या वर्षीचा, त्याच्यामुळं आमच्या या महाविद्यालयातून तरी अशा प्रकारची कोणती मार्कशीट सध्या तरी निघालेली नाही, आणि मार्कशीटचा जो मसुदा फॉर्मॅट जो बनलेला असतो हा विद्यापीठामधूनच महाविद्यालयांना जातो, आणि त्याच्यामध्ये मग ते ग्रेड कार्ड विद्यार्थ्यांना त्या त्या सत्राचं वाटलं जातं, आणि त्याच्यावर कोविड 19 आता लिहायचं की नाही लिहायचं हा वरच्या अथॉरिटीचा विषय असतो, महाविद्यालय स्तरावरचा हा विषय नाही आहे। महाविद्यालय हे ग्रेड कार्ड बनवतही नाही, आणि महाविद्यालय हे विद्यार्थ्यांना तिकडून जे ग्रेड कार्ड बनवून येते विद्यापीठामधून ते फक्त वाटण्याचं काम करतं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में मनसे कार्यकर्ताओं की कृषि संचालक के कार्यालय में तोड़फोड़, किसानों को नकली बीज दिए जाने से नाराज थे कार्यकर्ता, बीज सप्लाई कंपनी पर कार्रवाई की मांग, किसानों के नुकसान की भी होनी चाहिए भरपाई। महाराष्ट्र मध्ये शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे कंपन्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर बोगस बियाणे दिलंय, आणि त्या बोगस बियाणे प्रकरणी महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 53,000 तक्रारी दाखल झाल्यात, परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल होऊन आणि या तक्रारी दाखल झालेल्यापैकी त्या बीज परीक्षण कार्यालयामध्ये त्याची तपासणी सुद्धा झालेली आहे, मोठ्या प्रमाणावर या कंपन्या दोषी आढळून आल्यात, फक्त 10-15% उगवण क्षमती या बियाण्याची आढळून आली, आणि असं असून सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त 50-55 गुन्हे दाखल झालेले आहेत, म्हणजे या बोगस बियाणे कंपन्यांना कुठेतरी पाठीमागे घालण्याचं काम या कृषी विभागाकडून आणि शासनाकडून होत आहे। बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ के हालात, डीएम और एसपी ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा, नेपाल के तराई क्षेत्रों से आ रहे पानी से बढ़ रहा गंडक नदी का जलस्तर, कई जिलों में बाढ़ से मची तबाही। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने कुख्यात अपराधी वीरेश उर्फ बटुहिया को दबोचा, बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था बटुहिया, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के सभी नगर पंचायतों में बनेंगे रूरल ग्रोथ सेंटर, कृषि उत्पादों को बाजार देने सरकार की पहल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, गतिमान होगा गांव का विकास, स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों की हो सकेगी बिक्री।
राजस्थान के बर्खास्त मंत्री विश्वेंद्र सिंह का सीएम गहलोत पर शायराना हमला, ट्विटर पर लिखा संदेश, काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुझे इजाजत है हाले दिल सुनाने की।